हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रोचेट से बेबी कोट का कॉलर, जो बहुत सिंपल और इजी तरीके से मैं बताने जा रही हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज मैं इस फ्रॉक के ऊपर, बेबी फ्रॉक है ये, 4 ईयर की बेबी का है, इसके अंदर मैं कॉलर बनाऊंगी। इसके अंदर देखिए, कॉलर बनाने के लिए आप इसको उल्टी तरफ से, ये आपका सीधी साइड है, ये आपका उल्टा साइड है, उल्टे साइड में आपको बनाना है। सबसे पहले धागे को हमें अटैच कर लेना है। इसका 1, 2, 3 चेन छोड़ने के बाद 4th चेन में हमें धागे को हमें अटैच कर लेना। अब हमें इस जहाँ पे अटैच किया है उसी में क्रोशिया डालना है और एक 2 चेन बना लेना। एक 2 चेन बनाने के बाद अब हमें नेक्स्ट चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है। इसके नेक्स्ट चेन के ऊपर डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट चेन के ऊपर डबल क्रोशिया, इसी तरह से ये पूरे गले के यहाँ तक आपको डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको पूरे राउंड में हमें हर एक चेन के ऊपर जो हमें डबल क्रोशिया बनाना है, मैं आपको ये पूरा बनाने के बाद आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा एंड में भी 3 चेन छोड़ देना। फिर से हमें अभी 3 चेन बनाना है और इसे टर्न कर लेना। टर्न करने के बाद सेम चेन के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे हमें जो डबल क्रोशिया जो है चेन बढ़ाना है, इंक्रीज होगा यहाँ पर एक बार, और सेम चेन में हमें 3 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें इसके नेक्स्ट चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से पूरा एंड तक हमें बनाना है और लास्ट में हमें फिर से बढ़ाना है। शुरू में भी बढ़ाना है और लास्ट में भी हमें इसमें बढ़ाना। अब इंक्रीज होगा कॉलर के लिए। इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो सेकंड रो है, इसको हमें पूरा करना है। मैं आपको ये पूरा करने के बाद आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इसके एंड में आ गई हूँ। एंड में हमें 3 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाना है सेम चेन में। 1, 2, 3। अब हमें 2, 3 चेन बनाना। 1, 2, 3 चेन बनाना है, इसे टर्न कर लेना। ये हमारा 3rd रो। अब हमें इसके ऊपर फिर 1st चेन के ऊपर डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट चेन के ऊपर हमें
डबल क्रोशिया। अब इसमें यहाँ पर हमें एक ही वन ही टाइम बढ़ाना, इंक्रीज करना है। अब हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को भी कंप्लीट करना है। इसकी एंड में हमें फिर से एक इंक्रीज करना, बढ़ाना। देखिए इस तरह से ये बनेगा कुक कॉलर। मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आगे दिखाती हूँ। इस रो के एंड में आ गए हैं कि फिर से हमें यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक बढ़ाना है, एक अरे उसके डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमें तीन चेन लेना है, 1 2 3, तीन चेन। इसको टर्न कर लेना है। फिर से सेम स्पेस में हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2। यहाँ पे हमने 2 बढ़ाया, पहले 3, पहले 2 बढ़ाया, फिर 1, फिर 2। अब फिर सब डबल क्रोशिया के ऊपर हमें, टोटल डबल क्रोशिया के ऊपर हमें बस एक एक वन एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से अब इसके एंड में भी हमारा बढ़ेगा। मैं इसको कंप्लीट करने के बाद एंड में आपको दिखाते हैं। हमारा एंड आ गया है। यहाँ पे फिर से हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, 1। एक तो इसी का हो गया, इसमें अब 2 बढ़ाना है हमें, 1 2। फिर से हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3। चेन लेने के बाद इसे घूम टर्न कर लेना है। ये हमारा टोटल अभी 1 2 3 4 टाइम हुआ है। हमें 2 टाइम और बनाना है। अभी यहाँ पे हमें फिर से एक और डबल क्रोशिया सेम स्पेस में लेना है और अब हर संग डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। फर्स्ट में हमें 2 बनाना है, बनाया, और उसके आगे जितना भी है सब में एक बनाना है। इस तरह से एक रो और बनेगा और उसके बाद हमारा कॉलर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 है, 1 6, 6 रो तक बनेगा। 6 में अभी हमें एक एक बढ़ाना दोनों तरफ से, 1 इधर से भी बढ़ेगा, 1 उधर से भी बढ़ेगा। बस ये हमारा लास्ट रो हो जाएगा। अब 6 राउंड है, रो है, 1 2 3 4 5, 6 रो। 3 चेन लेने के बाद टर्न कर लिया और सेम स्पेस में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया ये हमारा बढ़ा दिया। यहाँ पर इंक्रीज हो गया। अब सब हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे एंड तक हमें ऐसे ही बनाना है। एंड में हमें इसमें एक डबल क्रोशिया बढ़ा देना कि हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो हमारा इसी तरह से बनेगा। मैं इस रो को कंप्लीट करने के बाद आगे दिखाती हूँ। ये हमारा कॉलर जो है एंड हो गया है इसका। अब हमें यहाँ पर एक चेन बनाने के बाद इसे काट लेना।
इसको आप धागे को अंदर कर दें। ये देखिए हमारा कॉलर बनके कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।